आए हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन। आज की इस वाली वीडियो में बर्थडे स्टेटस वीडियो क्रिएट करना सीखेंगे। बर्थडे स्टेटस वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले काइंड मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। काइंड मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे जो क्रिएट न्यू का आइकन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से 9:16 का रेशियो को सिलेक्ट करना है। फोटो डिस्प्ले मोड को फिल करके नेक्स्ट कर देना है। अब जिस भी फोटो का आप स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं उस फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। फ़ोटो सभी को सिलेक्ट कर लेने के बाद बैक कर लेंगे, स्टार्टिंग में आ जाएंगे, फ़ोटो में क्लिक करेंगे, क्लिप ग्राफिक्स में क्लिक करेंगे और यहाँ से यूअर कलर्स करके एक ग्राफिक है, इसे आप लोग बीटसिंक ऐप से इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता बीटसिंक एप्लीकेशन से ग्राफिक्स इंस्टॉल करना तो आप वीडियो देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है। इसमें से हम लोग 13 नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको जो फर्स्ट फोटो इसमें 13 नंबर को सिलेक्ट कर लेना है और डन कर देंगे। सेकंड वाली इमेज में आ जाएंगे, फर्स्ट फोटो को एडजस्ट कर लेंगे। उसके लिए फ़ोटो में क्लिक करेंगे, यहाँ पे पैन एंड जूम के ऑप्शन में आ जाएंगे और इसे यहाँ से बराबर वाले में आइकन में क्लिक कर देंगे और इसे कुछ इस तरह से जूम कर लेंगे, हम डन कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है ना दोनों फोटो के बीच में, यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से लाइन वाइप इसमें क्लिक करना है। ये वाला ट्रांजिशन को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। अभी मैंने नेट ऑफ रखा है इसलिए यहाँ पे नो इंटरनेट दिखा रहे हैं, तो इसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर यहाँ से हम लोग फर्स्ट नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, डन कर देंगे। सेकेंड वाले में क्लिक कर लेंगे, फिर से इसी में आ जाएंगे लाइन वाइप। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, डन कर देंगे। फिर नेक्स्ट फोटो में क्लिक करेंगे, नेक्स्ट फोटो के बीच में, उसके बाद फिर लाइन वाइप में आ जाएंगे और तीसरा को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर डन कर देंगे। अब नेक्स्ट में फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ से लाइन वाइप और फोर्थ। ऐसे ही आपको सभी फोटोज़ के बीच में जो प्लस का आइकन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है और ये लाइन वाइप का सभी को ऐसे ही लगा देना है। तो मैं ऐसे ही सभी में लगा लेता हूँ, सभी फ़ोटोज़ में लग गया। अब स्टार्टिंग में आ जाएंगे, अब इसे एक्सपोर्ट कर देंगे यानी कि सेव कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से इसे सेव कर देंगे। सेव कर लेने के बाद बैक कर लेंगे और बैक करने के बाद फिर से यहाँ से प्लस के आइकन में क्लिक करेंगे और इस बार हम लोग 16:9 का रेशियो को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। अब अभी हम लोग एक वीडियो सेव किया है उस वाले वीडियो को यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और स्टार्टिंग में आ जाएंगे, इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो पेन एंड जूम का ऑप्शन दिख रहा है इसमें क्लिक करना है और यहाँ पे जो बराबर का आइकन दिख रहा है इसमें क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो स्क्रीन ना इसमें हम लोग डबल टैप करेंगे, उसके बाद फिर ये पूरे स्क्रीन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब डन कर देंगे, लेयर में क्लिक करके इफ़ेक्ट में क्लिक कर लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से बेसिक इफ़ेक्ट्स में आ जाएंगे और यहाँ से गॉसियन ब्लर कर देंगे। अब इसे पूरा स्क्रीन में कुछ इस तरह से कर लेंगे, बैक करेंगे, सेटिंग में आ जाएंगे और सेटिंग को 10 कर लेंगे। अब ये जो हम लोग अभी इफ़ेक्ट लगाए हैं इसका भी ड्यूरेशन को जितना बड़ा हम लोग का स्टेटस है वहाँ तक ऐसे ड्रैग कर लेंगे। अब स्टार्टिंग में आ जाएंगे, अब ये वाला जो हम लोग अभी लेयर्स लिए हैं ये वाला, इसमें विग्नेट को ऑन कर देंगे, ये विग्नेट ऑन हो गया, अब डन कर देंगे। अब लेयर में क्लिक करेंगे, मीडिया में क्लिक कर लेंगे, एक टेम्पलेट को ऐड करेंगे। इस वाले टेम्पलेट का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसे पूरे स्क्रीन में कर लेंगे, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको पूरे स्क्रीन में करेंगे, उसके लिए स्प्लिट स्क्रीन में क्लिक करके पूरे स्क्रीन में कर लेंगे, बैक करेंगे, ब्लेंडिंग में आ जाएंगे और यहाँ से इसे स्क्रीन कर देंगे, डन कर देंगे। अब लेयर में क्लिक करेंगे, मीडिया में क्लिक करेंगे, उसके फिर जो हम लोग वीडियो सेव किए थे उसे ऐड कर लेंगे। अब इसे कुछ इस तरह से अच्छे से यहाँ पास एडजस्ट कर देंगे, इतना में रख लेते हैं। अब यहाँ पे क्रॉपिंग में आ जाएंगे और इसे क्रॉप कर देंगे। अब लेयर में क्लिक करेंगे, मीडिया में क्लिक कर लेंगे, अब फोटोज़ को ऐड करेंगे।
इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और इधर से क्रॉपिंग में आ जाएंगे, और क्रॉपिंग में आने के बाद यहाँ पे जो मास्क है ना इसे इनेबल करना है। यहाँ पे शेप दिख रहा है इसमें क्लिक करके हर्ट को सिलेक्ट कर लेना है, बैक कर लेंगे और इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देंगे, इतना में रख लेते हैं। अब डन कर देंगे। अब यहाँ से ये वाला जो हर्ट बना है इसमें इसको एडजस्ट कर देना है। क्रॉपिंग में आ जाएंगे फिर से और इसे थोड़ा सा क्रॉप कर देंगे। अब इसका जो ड्यूरेशन है इसे हम पूरे वीडियो, जहाँ तक वीडियो है वहाँ तक इसे ड्रैग कर देंगे। अब स्टार्टिंग में आ जाएंगे, फिर से लेयर में क्लिक करेंगे, मीडिया में क्लिक करेंगे, अब एक और इमेज इसे भी ऐड कर देंगे। अब इसको छोटा करके कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ से क्रॉपिंग में आ जाएंगे और इसे थोड़ा सा क्रॉप कर देंगे, और इसे भी ड्रैग करके जहाँ तक हम लोग का स्टेटस है वहाँ तक इसे भी ड्रैग कर लेंगे, इतना में रख लेते हैं। अब फिर से लेयर में क्लिक करेंगे, मीडिया में क्लिक करेंगे और इमेजेस को ऐड कर लेंगे। अब ये वाला फ़ोटो को क्रॉप कर लेंगे, अब इसे भी ड्रैग करके जहाँ तक हम लोग का स्टेटस है वहाँ तक ड्रैग कर लेंगे, और इसे यहाँ पे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। क्रॉपिंग में क्लिक कर लेंगे, एक और इमेज को ऐड कर लेंगे, क्रॉपिंग में क्लिक करेंगे, मास्क इनेबल करेंगे, शेप में क्लिक करके हर्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसे आप लोग अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा और यहाँ से ड्रैग करके जितना बड़ा स्टेटस है वहाँ तक इसे ड्रैग कर देंगे। सो गाइस, फाइनली जो हम लोग का स्टेटस है ये बन गया। अब इसे सेव कैसे करेंगे, तो सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव एज वीडियो में क्लिक करके सेव कर देंगे। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।